दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हां दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की कार्रवाई दिखावटी, झांसे में नहीं आएगा भारत। जी हां दोस्तों, भारत ने आज कहा कि मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी सरगना हाफिज सईद और उसके गुर्गों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई दिखावटी है तथा भारत इस झांसे में नहीं आएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कुछ आतंकवादियों और संगठनों के खिलाफ पड़ोसी देश की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को गुमराह करने और आँख में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के बारे में दोहरा रवैया अपना रहा है तथा आतंकी वारदातों के लिए जिम्मेदार माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को भारत को नहीं सौंप रहा है। जी हां दोस्तों, उल्लेखनीय है कि गुरुवार को पाकिस्तान सरकार की ओर से कहा गया है कि जमातुल दावा प्रमुख हाफिज सईद और उसके साथियों के खिलाफ आतंकवाद को धन मुहैया कराने को लेकर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में मौजूदगी को ही नकार दिया। रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का ठौर ठिकाना कोई गुप्त बात नहीं है। समय समय पर पाकिस्तान को वांछित अपराधियों की सूची दी गई है। भारत इन वांछित लोगों को सुपुर्द करने की मांग करता रहा है। मुंबई विस्फोटों में दाऊद इब्राहिम की भूमिका जग जाहिर है। प्रवक्ता ने कहा कि एक ओर पाकिस्तान कुछ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का नाटक कर रहा है, वहीं जिन लोगों के भारत को तलाश है उनकी मौजूदगी को ही वो नकार देता है। रवीश कुमार ने कहा कि आतंकवाद और आतंकी संगठनों के खिलाफ पाकिस्तान का दावा तभी पुष्ट होगा जब वह उनके खिलाफ विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय कारगर कदम उठाए जिनकी पुष्टि हो सके। आधे अधूरे कदमों से पाकिस्तान की कार्रवाई से कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य रिश्तों की बहाली के लिए जरूरी है कि आतंकवाद से मुक्त माहौल बने। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी की याचिका स्वीकार की, जानिए क्या है वजह। जी हाँ दोस्तों, मीडिया मामले में आईएनएक्स मीडिया की पूर्व निदेशक इंद्राणी मुखर्जी को गवाह बनने की इजाज़त दे दी। सीबीआई के न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने गवाह बनने के लिए इंद्राणी की दायर याचिका स्वीकार कर ली है, साथ ही क्षमा याचिका भी स्वीकार कर ली है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को निश्चित कर दी गई है। अदालत ने इंद्राणी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। इसी मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर सुनवाई चल रही है। पिछले साल इंद्राणी ने अपना कबूलनामा देते हुए गवाह बनाए जाने के लिए याचिका सीबीआई अदालत में दायर की थी। इंद्राणी अपनी बेटी शीना बोहरा की हत्या के सिलसिले में मुंबई की बाइकुला जेल में बंद हैं। सीबीआई ने अपने दाखिलनामे में तर्क दिया है कि उसे बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं जो सिर्फ इंद्राणी जानती हैं और इसलिए वह मामला सुलझाने में सीबीआई की मदद करेंगी। सीबीआई जब विदेश निवेश प्रोन्नति बोर्ड FIPB द्वारा 2007 में 305 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए INX मीडिया को विदेश फंड प्राप्त करने की मंजूरी देने के मामले की जांच कर रही थी, उस दौरान पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे और प्रवर्तन निदेशालय ED इसमें धन शोधन की संभावनाएं तलाश रहा था। पी चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली हुई है, वहीं उनके बेटे कार्ति सामान्य जमानत पर हैं। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव ने इस्तीफे से किया इनकार, कहा अभी मुझे कई नेताओं का इस्तीफा देखना है। जी हाँ दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने पद से इस्तीफे देने वाली बात को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि मैं अभी बहुत सारे नेताओं का इस्तीफा देखना चाहता हूं, मेरे बारे में मीडिया और विरोधी पार्टियां झूठी खबरें फैला रही हैं। आपको बता दें कि आज तेजस्वी यादव ने यह बात एक लोकल चैनल की मीडिया कर्मी को ऑफ रिकॉर्ड बताया है। गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से विरोधी दलों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी की तरह तेजस्वी भी अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस मानसून सत्र के पांचवें दिन पहली बार तेजस्वी यादव सदन में उपस्थित हुए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव राजनीतिक जीवन से गायब हो गए थे, लेकिन वे राजनीतिक जीवन में लौट ही आए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि दोस्त, मैं लंबे समय में लिगामेंट और ACL बीमारी का इलाज करा रहा था। हालांकि मैं लगातार राजनीति विरोधियों और मीडिया की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। इसके बाद
वे 1 जुलाई को पटना पहुंचे, लेकिन विधानसभा सत्र में शामिल नहीं हुए। हालांकि आज तेजस्वी यादव सदन में उपस्थित हैं। गौरतलब है कि 28 जून से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। तेजस्वी यादव आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकार किया है कि उनके 14 वर्ष के कथित सुशासनी कार्यकाल में बिहार में 47% डॉक्टर्स, 71% नर्स, 62% लैब टेक्नीशियन और 48% फार्मासिस्ट के पद खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सीएम बताएं इसके लिए जिम्मेदार कौन है, युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर कि कागजी दावों से देश की जनता का कल्याण कैसे संभव। जी हां दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बृहस्पतिवार को ट्वीट कर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश के 130 करोड़ गरीबों, मजदूरों, किसानों और बेरोजगारों की समस्याएं हर रोज गंभीर होती जा रही हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केवल कागजी दावों से देश की जनता का कल्याण कैसे संभव है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि लोगों को हसीन सपने दिखाना, परंतु उस हिसाब से काम नहीं करना व भावनाएं भड़का कर राजनीति रोटी सेकना भाजपा की विशेषता रही है। जी हां दोस्तों, पढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर कि कांग्रेस विधायक नितेश राणे ने इंजीनियर पर फेंका कीचड़, हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस विधायक नितेश राणे का ऐसा एक कथित वीडियो सामने आया है जिसमें वे महाराष्ट्र के कांकावली में मुंबई गोवा राजमार्ग पर गड्ढों के विरोध में बृहस्पतिवार को एक उप अभियंता को एक पुल से बांधने के बाद उन पर कीचड़ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजय वर्गीय द्वारा एक सरकारी अधिकारी पर हमला किए जाने के कुछ दिनों बाद ये घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो क्लिप में राणे और कांकावली नगर परिषद के अध्यक्ष समीर नलवाड़े को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उप अभियंता प्रकाश खेड़ेकर को एक पुल की रेलिंग से कथित तौर पर बांधते हुए और उन पर कीचड़ फेंकते हुए देखा जा सकता है। फिलहाल राणे की इंजीनियरिंग के साथ मारपीट, गाली गलौज और कीचड़ डलवाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राणे और नलवाड़े को खेलेकर को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि हर दिन स्थानीय लोगों को गुजरने वाले वाहनों से ऐसी कीचड़ का सामना करना पड़ता है, आप भी इसका अनुभव करें। स्थानीय पुलिस ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में भारतीय दंड संहिता के धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नितेश राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के पुत्र हैं। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर बंगाल से है कि इस्कॉन की रथ यात्रा में सीएम ममता के साथ शामिल हुई नुसरत जहां दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस से राजनेता बनी बंगाली अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां गुरुवार को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस की रथ यात्रा में अपने पति निखिल जैन के साथ शामिल हुई। हर साल की तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस साल कार्यक्रम में नुसरत जहां को भी आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर ममता बनर्जी और नुसरत जहां ने इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा की। पारंपरिक साड़ी, मंगलसूत्र और चूड़ी पहनने 9 विवाहित तृणमूल सांसद ने बनर्जी और अन्य गणमान्य लोगों के साथ रथ यात्रा के सभी रस्मों में भाग लिया। इस रथ यात्रा का आयोजन इस्कॉन की कोलकाता इकाई कर रही है और उन्होंने नुसरत जहां को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था, जिसे नुसरत जहां ने स्वीकार किया था। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए इस्कॉन का धन्यवाद किया और कहा कि यात्रा में भी शामिल होने पर उनको खुशी हुई। कल शाम को यहां के एक 5 सितारा होटल में नुसरत जहां शादी का रिसेप्शन देने वाली हैं। उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यपूर्ण हूं जो इस्कॉन द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया और मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। पश्चिम बंगाल सभी धार्मिक आयोजन साथ मिलकर बिना किसी सांप्रदायिक मतभेद के मनाता है। इस साल राज्य की राजधानी में इस्कॉन 48वां रथ यात्रा मना रहा है। हाल ही में नुसरत जहां के खिलाफ इस्लामिक धर्मगुरुओं ने एक फतवा जारी किया था। ये फतवा नुसरत के सिंदूर और बिंदी लगाने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जारी किया था। आपको बता दें कि नुसरत जहां तृणमूल की सांसद हैं और संसद भवन में शपथ ग्रहण के दौरान वे सिंदूर, बिंदी और हाथों में मेहंदी लगाए हुए नजर आई थी, जिसके बाद इस्लामिक धर्मगुरुओं ने नुसरत के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। मुस्लिम धर्मगुरुओं के इस फतवे पर प्रतिक्रिया देते हुए नुसरत ने कहा कि वे धर्म निरपेक्षता के विपक्ष में रखती हैं। नुसरत जहां ने कहा कि वो अभी भी एक मुस्लिम है और वो जो चाहेंगी वही पहनेंगी।
जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर कि सोनिया ने दिया पार्टी नेताओं को झटका, कांग्रेस अध्यक्ष का नाम सुझाने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, बुधवार को राहुल गांधी ने औपचारिक तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल के इस फैसले के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने उन्हें लगातार मनाने की कोशिश की, पर वे माने नहीं। नेताओं को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी से उम्मीद थी कि वे राहुल को मना लेंगी, पर उन्होंने भी इनकार कर दिया। सोनिया ने तो पार्टी के लिए अंतरिम अध्यक्ष का नाम भी सुझाने से मना कर दिया है। सोनिया गांधी ने पार्टी के प्रति सहयोगात्मक रवैया बनाने रखने के बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग अंतरिम अध्यक्ष का चुनाव करें। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की राहुल गांधी की औपचारिक घोषणा पर पार्टी महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वे अपने भाई के फैसले का सम्मान करती हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि आपके भीतर जो साहस है वो कुछ ही लोगों में होता है, आपके निर्णय का बहुत सम्मान है। बता दें कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा की बात कहने के बाद 4 पन्नों का पत्र भी ट्विटर पर पोस्ट किया था। राहुल ने कांग्रेस के लिए काम करने को गर्व की बात बताते हुए लिखा था कि 2019 में हार की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर कि आरएसएस को लेकर बोले राहुल, ये विचारधारा की लड़ाई है और पहले से 10 गुना ज्यादा लड़ूंगा। जी हाँ दोस्तों, पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को आरएसएस की विचारधारा बताने पर संघ द्वारा किए गए मानहानि के मुकदमे में आज मुंबई की एक अदालत में पेश हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 15,000 रुपये में मुचलके पर जमानत मिल गई है। अदालत के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए गांधी ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है और मैं पहले से 10 गुना ज्यादा लड़ाई लड़ूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कोर्ट में कुछ नहीं कहा, मुझे पेश होना था, ये विचारधारा की लड़ाई है, मैं गरीबों और किसानों के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझ पर आक्रमण हो रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं पिछले 5 वर्षों से 10 गुना ज़्यादा मैं लड़ूंगा। जब राहुल सुबह मुंबई हवाई अड्डे पर विमान से उतरे तब भी बाहर खड़े उनके समर्थकों ने नारेबाजी की और पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया, इस्तीफा वापस लेने की मांग की। जब राहुल अदालत पहुंचे तब माकपा महासचिव सीताराम येचुरी भी वहां पहुंचे। राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी नेता कृपा शंकर सिंह, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम अदालत के अंदर मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद राहुल गांधी पहली बार मुंबई में सार्वजनिक तौर पर मौजूदगी दर्ज कराई। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस कार्यकर्ता ने संघ की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिखें, जिससे आपके राज्य की हर न्यूज आप तक पहुंचा सके। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।